representing lakes, rivers, and other water bodies. So when the sun falls, sunlight falls on the surface of these water bodies, it evaporates some percentage of water into steam, evaporation, and then that goes up because of its lightness as compared to the air. It goes up, and there it forms cloud, and then a process called precipitation happens, and because of that, that water comes down on the earth as well as on the seas in the form of rain, hail, storm, snow. In any case, the water comes back to the land or water. So this whole cycle gets completed. This is what is mentioned here. It is a process by which moisture from the surface of water bodies covering the earth surface transferred to the land and back to the water bodies again. So it's a full cycle. कहीं ना कहीं अगर आप इसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल में लें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम पानी को ज़मीन में से निकालते हैं मोटर के ज़रिए और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ज़मीन में जाता है, वाटर को रिचार्ज करता है, जो ज़मीन है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है, पानी फिर से साफ होकर ज़मीन को रिचार्ज कर देता है, वाटर टेबल को रिचार्ज कर देता है जो ज़मीन के नीचे है, और फिर उस वाटर को, उस पानी को जो है हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, खींचते हैं अगेन मोटर के ज़रिए। तो ये एक जो प्रिंसिपल है जिसे आप मतलब डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ है जिसको नेचुरल तरीके से जो क्रिएटर है उसने इस तरह से बना रखा है कि ये एक नेचुरल मोटर है जो चलता है, वो नीचे ज़मीन से और समंदर से पानी को इवापोरेट करता है, वो ऊपर जाके वेपर्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर वो आकर वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मोटराइज प्रिंसिपल है जो एक नेचुरल मोटराइज प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है दैट वाटर वॉट एवर गोज़ अप कम्स डाउन। ऐसा नहीं है कि कुछ पानी लूज़ हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, और जो जितना भी पानी ज़मीन पर है वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जरिए रहता ही रहता है, वो आसमान पे जाता है, वापस ज़मीन पे ही आता है। वो इट कैनॉट स्केप द अर्थ, सो द वॉट एवर इज द वाटर कंटेंट ऑफ द अर्थ दैट रिमेन्स द सेम, एंड दिस प्रोसेस कीप्स कंटिन्यूइंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसेस पीपल एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना इट डेवलप्स एंड द इकोलॉजीज डेवलप्स वेयर ऑल दीज लाइफ springs and their life cycle also gets the cycle. So that is a study that we have to study about hydrological cycle or rain evaporation cycle. I hope you understood it. If any question you can ask on this topic. Any question on this? Anyway, so water cycle is anyway is a topic that we start reading, start studying since our early age, even since our schools. So I hope it is not difficult really to understand. Now coming to the next topic, which is to discuss about the merits and demerits of hydroelectric power plants. So if you talk about the advantages, so before we go into the literature, let's hear you for some time. आप लोग बताएं क्या क्या advantages हैं hydro power plants के, फिर हम disadvantages के बारे में बात करें। This is just to have your participation as well. What are the advantages? एक एक भी बताते चले आप लोग, तो I think we will cover some of them. फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है सर, ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम लाइफ होती है हाइड्रो पावर प्लांट की।
दो अच्छे पॉइंट बताए इन्होंने रिजवान ने। एक तो इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, सही बात है, लाइफ जो है 50 साल 60 साल 70 साल, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लाइफ टाइम थिंग, एक इंसान की लाइफ टाइम तक चल सकता है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है इसका। और दूसरा जो इन्होंने कहा फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, सो एक्चुअली व्हाट वी मीन इज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, बट अदरवाइज और भी फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं है। फॉसिल फ्यूल मैंशन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जो एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, उसको बिल्कुल ये मिनिमाइज कर देता है, मीनिंग एनवायरनमेंटल इश्यूज आर एनवायरनमेंटल पोल्यूशन स्पेशली इज एड्रेस्ड बाय दिस वन। रिजवान के अलावा और कोई कुछ इनपुट देना चाहे? Anyone else? Kashif? Faraz? Iltamash? You want to give input, some inputs? What are the different advantages of hydropower, hydroelectric power plants? I am not able to recall any right now. Oh. Okay. Or koi? Anyways, so it provides flood control at the sound. Very good. It provides flood control. बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अपोजिट भी अभी हम बात करेंगे डिमेरिट्स पर भी, लेकिन ठीक है अभी के लिए। Definitely we sort of have a control on the movement of water. तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टाइप का है सर, काफी एडवांटेज रहता है। आप एक बार और बोलिए फैन। मतलब बोल रहा था ना कि तो मल्टीपर्पज रहता है सर, इसको काफ़ी सारा एडवांटेज रहता है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी मदद करता है, और जैसे कि बताया फ्लड कंट्रोल में भी काफ़ी काम आता है। और तो आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी विच इज विद द एग्रीकल्चरल थिंग, गुड सर, बट मेनी टाइम वाटर कंट्रोल कैन बी हैजार्डस बिकॉज़ वी हैव सीन दैट ब्रेकिंग ऑफ डैम कॉज दिस फ्लड, दैट वी विल टॉक इन इट्स डिमेरिट्स। इसको रखे रहिए पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है ये भी, बट अभी हम चूंकि मेरिट्स की बात कर रहे हैं सो इग्नोर द डिमेरिट्स फॉर अ व्हाइल, वी विल डिस्कस दैट। और कोई मेरिट? ओके, सो गुड एनफ पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि इसमें से कितने पॉइंट्स हमने पहले एडजस्ट कर लिए। दीज एडवांटेजेस कैन बी समराइज्ड एज अंडर, पहली बात ही इन्होंने जो बात कही थी रिजवान ने, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड बाय सच प्लांट्स एज वाटर इज सोर्स ऑफ एनर्जी, हेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो एंड देर आर नो प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज फ्यूल एंड डिस्पोजल ऑफ ऐश और न्यूक्लियर वेस्ट फ्यूल। तो आप देख सकते हैं ये पहला ही पॉइंट हमने इसको एड्रेस कर लिया था। दूसरा पॉइंट जो है हाँ, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था सच प्लांट्स आर रोबस्ट, ये जो इसमें 7 पॉइंट है एंड हैव गॉट लॉन्गर लाइफ, तो ये पॉइंट भी एड्रेस कर लिया था हमने। वी डिड डिस्कस अबाउट इट इज वेरी नीट एंड क्लीन प्लांट बिकॉज नो स्मोक और ऐश इज प्रोड्यूस्ड, और यानी एनवायरमेंटल इश्यूज भी एड्रेस कर लिए थे। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी जस्ट डिस्कस, कुछ और पॉइंट्स हैं विच इज इम्पॉर्टेंट। एक तो इसकी रिलायबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, द प्लांट इज हाईली रिलायबल। इसमें दो पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक रिलायबिलिटी है और दूसरा चीपेस्ट। तो चीपेस्ट का तो ये हाल है कि जाहिर सी बात है चीपेस्ट यानी सुपरलेटिव सेंस में बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज द चीपेस्ट अमंग ऑल द डिफरेंट पावर जनरेशन। बनने के बाद जाहिर सी बात है जब बनने में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन बनने के बाद जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ONM जिसे कहते हैं अक्सर, दैट इज द लोवेस्ट इन केस ऑफ हाइड्रो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट। रही बात रिलायबिलिटी की, सो रिलायबिलिटी इज ऑल्सो गुड इन शॉर्ट टर्म। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है रिलायबिलिटी एक दिन के कॉन्टेक्स्ट में, और एक चीज़ होती है रिलायबिलिटी एक साल के कॉन्टेक्स्ट में, तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन जब हम पावर रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो अक्सर हम यानी डे टू डे मैटर्स की बात करते हैं, ना कि ईयर टू ईयर, और अक्सर आवर टू आवर बात करते हैं कि भाई हर घंटे अवेलेबल होना चाहिए, एवरी
24/7 ये पावर हमें अवेलेबल होना चाहिए। तो रिलायबल इन द सेंस ये है कि अगर बारिश हुई है और रिजर्वायर में वाटर है तो फिर ये अगले कई दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए ये बात रिलायबल है। ये इट्स अ फैक्ट दैट नाउ द आउटपुट आउट ऑफ दिस हाइड्रो पावर प्लांट विल बी कंटिन्यूअस। ये एक रिलायबिलिटी का सेंस है यहाँ पे, लेकिन इसका ये नहीं कहा जा सकता कि ये सालों साल रिलायबल है। ठीक है, बारिश हो गई तो रिलायबल है और कुछ दिन तक रिलायबल रहेगा, या बारिश इस जमाने में अच्छी हुई है तो रिलायबल है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो फिर वो रिलायबल नहीं है। बट देन दैट इज अ मैटर टू बी सीन इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ डे टू डे सेंस इट इज रिलायबल। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस। Third point which this literature mentioned is that the plant can be run up and synchronized in a few minutes. So synchronization कोई issue नहीं है इसके साथ, और उसकी वजह ये होती है कि इसको बहुत ही fine tuning पे control किया जा सकता है, और कितनी तेज से governor घूमना है, कितनी तेजी से टर्बाइन घूमना है, दैट कैन बी इजीली मेंटेन। सो वो एक सिंक्रोनाइजेशन इशू नहीं होता कि लोड बढ़ गया या कोई इशू आ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा वेरी कर गई, बिकॉज इट डजंट वेरी मच दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस पावर प्लांट विद एनी अदर पावर प्लांट और दिस लोड विद एनी ग्रिड इज नॉट अ डिफिकल्ट इशू, इज बिकॉज जनरली वो सिंक्रोनाइज सेंस पे चलता ही है। फोर्थ इशू जो है वो है द लोड कैन बी वेरीड क्विकली एंड रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड कैन बी मेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, और इसके जो लोड वेरिएशन के साथ इसको भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मच लाइक एक टैप है, उससे कितना पानी आपको निकालना है और कितना नहीं निकालना है यू कैन एक्चुअली मैनेज इट। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि वेरिएशन ऑफ लोड के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोड तो कम है लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम ज़्यादा जनरेशन करेंगे ही करेंगे। लोड कम है तो पावर जनरेट भी किया जा सकता है, अगर लोड नहीं है तो पावर बंद भी किया जा सकता है। जाहिर बात है जो पानी भी हेड पे है एक बार वो नीचे आ जाए, है ना, लोअर एंड पे, तो फिर उसकी एनर्जी तो ख़त्म हो गई, अब तो दोबारा से जनरेट करने से रहा। तो इसलिए इट इज़ नॉट रिसाइक्लेबल कि एकदम से उस पानी को ऊपर हम पहुंचा देंगे। सो इन दैट केस जितनी ज़रूरत होती है उतनी उसी हिसाब से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो स्टैंड बाय लॉसेस, एज सच कोई स्टैंड बाय लॉसेस नहीं है इसमें। सच प्लांट्स आर रोबस्ट, 50 साल की लाइफ है, हमने डिस्कस कर लिया। द एफिशिएंसी ऑफ सच प्लांट डज नॉट फॉल विद द एज, ये भी एक फैक्टर है कि वक्त के साथ ऐसा नहीं हुआ कि 49 साल का हो गया 49 ईयर्स का, तो अब ये इसकी एफिशिएंसी कम हो गई वियर एंड टीयर की वजह से, या जो उसके अंदर जो मोटर्स हैं उसकी एफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि एक फ्रेश वाटर हर वक्त इस पे आना है तो उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होती। It is very neat and clean plant because no smoke or ash is produced. Highly skilled engineers are required only at the time of construction. हालांकि highly skilled engineers ये advantage में नहीं है, but ये बात कही जा रही है, they require only for a short while, that is while the construction is being done. But once the construction is finished, only a few experienced person will be required to manage the running of hydroelectric power plant. जो नाइन्थ पॉइंट है एडवांटेज में, सच प्लांट्स इन एडिशन टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो सर्व्स अदर पर्पजेज, ये बात भी आई थी, वन ऑफ द स्टूडेंट मेंशन दैट कि एक तो इरिगेशन, उससे सिंचाई हो सकती है, और सिंचाई किस लिए हो सकती है, पहले कैसे नहीं हो सकती थी, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जब वाटर का हेड ऊपर हो गया है तो उसको हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम छोटे से छोटे 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 कैनाल्स बना के और हम वाटर को मैनूवर कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को। सो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। फिशरीज वगैरह भी हो सकती है, मछलियाँ पल सकती हैं। फ्लड कंट्रोल की बात आई थी, और नेविगेशन का मतलब, अब जाहिर बात है इट्स नॉट अ नेविगेशन ऑफ द सी बट इट इज़ अ नेविगेशन फॉर
travel over the water, but then somebody may consider it as a disadvantage क्योंकि पानी नहीं होता तो और दूसरे साधन भी थे, but anyway one can debate on this issue. Then we have 12th advantage, which is hydroelectric power plants are usually located in a remote area where land is available at cheaper rates. ठीक है, so land availability यानी अक्सर तो अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो उन्हें कुछ जमीन खरीदना ही नहीं है क्योंकि अक्सर लोग रहते ही नहीं हैं पहाड़ों पे, और अगर कुछ लोग रहते भी हैं तो उनको भी कंपनसेशन देके उन्हें वहां से हटा दिया जाता है. तो यानी जो जमीन है उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती और कई बार फ्री भी होता है. सो इस सेंस में इट इज नॉट अ हैवी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंड. ठीक है, any point if somebody is got a new point to usko hum log discuss kar sakte hain, otherwise we can discuss about what are the demerits. demerits ki baat kuch ki jaye. Kashif ne ek point bataya tha ki it could be dangerous as well in terms of what we call breaking of the dam gates, flood gates, which can actually wipe out many villages and even cities sometime. So that itself is a big danger. Apart from this, if you want to put more points, you can. So during construction we have to transport the materials to the hilly areas, so the transportation is pretty difficult. Yes, so this actually falls in the category of its construction is very tough. Heavy duty materials, heavy duty equipment has to be transported that site, and the management, the construction sometime lasts decades, दसियों साल लग जाते हैं, कई बार 10-15 साल लग जाते हैं बनने में. सो दैट इटसेल्फ इज एन इशू. एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग टू डू विद टेंस ऑफ इयर्स ऑफ कंटीन्यूअस एक्टिविटी विल एक्चुअली अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दैट एरिया. तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना जिसे कहते हैं, यानी प्लांट लाइफ और जो एनिमल्स लाइफ है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड इट टेक्स टाइम टू रिस्टोर दैट एंड मे नॉट बी रिस्टोर्ड एवर. सो ये इश्यूज हैं इस कैटेगरी में, उसको हम रख सकते हैं. और कोई पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी. वेरी गुड अफान, वेरी गुड पॉइंट. सो दैट इज अ पॉइंट, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी. एक जिस तरह से हम फ्लोरा फौना की बात कर रहे हैं डिस्टर्बेंस की, तो इंसान की भी जो हैबिटेट है दैट इज ऑल्सो डिस्टर्ब बाय हाइड्रोपावर प्लांट्स. सो ये भी एक इशू है, और इसी वजह से मैं देखता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो फेमस इसी वजह से हैं. अन्ना हजारे, तीस्ता सितलवार, बहुत से लोग हैं, दे आर फेमस बिकॉज ऑफ द एक्टिविज्म against the construction of dams. So yes, so that is an issue, that is always an issue. And by the way, this issue is not just a technical issue but rather a sort of political issue as well. To ye ek hurdle hai. Any other disadvantage, demerits? Well, in its merit it was given that only few even non-professionals can run the power plant, only at the construction time the expertise are required. So it is a demerit because there demerit. Is less job, of, job opportunities for engineers. Job opportunity kis tarah se? Sir, like job opportunity wali baat nahi samjha. Sir, to run a normal power plant we still need a bunch of technical professionals to do that, but in terms of hydropower plant we don't need that much of expertise to run the power plant. So sir, to
जॉब अपॉर्चुनिटीज तो कम है सर, अगर एक हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है सर। अच्छा, इससे लग रहा है आप लोगों के जहन में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा घूम रही है। खैर इट कुड बी, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो डिसएडवांटेज हो सकता है, बट इट्स अ लिटिल बिट फार फेचेड, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज में देखेंगे कि कितनी तरह की जॉब होती हैं और उसमें से इस पे कितने लोग काम कर सकते हैं, सो यू विल फाइंड वेरी लेस परसेंटेज, इनसिग्निफिकेंट। तो इस वजह से इसको बहुत, वी रियली कांट पुट इन टू द डिमेरिट्स बिकॉज दैट इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर मतलब जिस तरह से आपने कहा, अगर उसको हम इस बात पे रखेंगे तो उसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो अब आप इसको अगर आप ये बात रखी जाए तो दैट डजंट होल्ड एनफ वाटर। इसको इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ये एक डिसएडवांटेज, क्योंकि ये डिसएडवांटेज तो खैर बहुत सी चीज़ों में हो सकता है, और उसको ये भी कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को सपोर्ट करता है ना सर, तो वहाँ पर एडवांटेजेस हो गया, वो भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट रहेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉब पर्सपेक्टिव से आई रियली डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब एक, अगर ऐसा होता जैसे कहा जाता है कि 20% जो लोग होते हैं उनको जॉब इसी में मिलती है, सो देन इट वुड बी सिग्निफिकेंट पॉइंट टू एक्चुअली स्टेट हियर। हाँ, ये बात आपकी सही रही, मुझे कि सही लगी कि इसमें जो एडवांटेज में ये था कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में लोग नहीं चाहिए स्किल्ड, लेकिन बनाने में तो चाहिए। सो दैट इज़ अ इशू दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी स्किल्ड professionals when it is being made bante waqt. Anyway, aur koi point? Good, so good brainstorming. Now let's go to the literature one. Okay, so aap dekhiye isme sabse pehli baat aa rahi, it requires large area. Advantage mein tha ki sasti zameen mil jati hai, disadvantage mein hai ki bahut zyada zameen chahiye. तो ज़रूरी नहीं कि हर जहाँ पे हम ज़मीन लेने जा रहे हैं वहाँ पे फ्री में ही मिल जाए, सो इट बिकम्स अ इशू स्पेशली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इट, यानी शुरू में जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट विल बी क्वाइट लार्ज। और लार्ज एरिया का मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन हो सकते हैं, और जो फ्लड प्लेन है उसका भी एरिया बढ़ सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, सो दैट एक्चुअली मेक्स इट अ बिग इशू। इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज इनॉर्मसली हाई, जो वर्ड आया है इनॉर्मसली, तो आप समझ सकते हैं इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पर मेगावाट जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इसी में है। एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इरेक्शन गोइंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूज सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो 10 साल 20 साल, ये मतलब 10 साल मान के चलिए, इट्स जेसेशन टाइम कहते हैं, कितना टाइम लगता है किसी चीज को बनने में, सो इट्स एनॉर्मस। देन द थर्ड पॉइंट मेंशन, वी नन ऑफ अस कुड गेस इट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस आर रिक्वायर्ड एज द प्लांट्स आर लोकेटेड इन हिली एरियाज व्हिच आर क्वाइट अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। ठीक है, इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो आप देखें कि मैं साउथ इंडिया के तो नहीं समझ पाऊंगा, आप भी शायद ना समझ पाए, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के पावर प्लांट्स हैं वो आप जगहों के नाम से समझ सकते हैं कि कहाँ है। टिहरी डैम फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा 2400 मेगावाट, अभी उत्तराखंड में है, बहुत ज़्यादा लाइफ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोड नहीं है, सो डेफिनेटली दैट टिहरी डैम जो सप्लाई करेगी वो आसपास का लोड सेंटर पे ही सप्लाई करेगी, और लोड सेंटर क्या है, देहरादून है या दिल्ली है, तो टेरी डैम फ्रॉम हियर विल बी अराउंड 400 किलोमीटर्स, सो इट्स अ बिग ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसमिशन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। भाखड़ा भी देखेंगे पंजाब में है कहने को, बट वो भी फुट हिल्स पे है, तो वहाँ से भी जो बड़े लोड सेंटर हैं इट विल टेक टाइम। Anyway, so in that case you will understand
मेरा ख्याल से ऐसे बहुत कम ही ऑप्शन होंगे जहाँ पे लोड सेंटर उसके करीब ही है. सो दैट इज एन इशू. सो एनी वे वट आर द अदर डिसएडवांटेजेस. पॉइंट नंबर फोर इज दैट द आउटपुट ऑफ सच प्लांट इज नेवर कॉन्स्टेंट ओइंग टू वैगरीज ऑफ मानसून. ठीक है, यानी मानसून का इसको कह सकते हैं यानी इंडिपेंडेंस, अखड़पना, मन करे तो आए मन करे तो नहीं आए. सो इट इज नॉट रियली समथिंग वेरी व्हाट वी कॉल श्योर शॉट कि भाई इतना ही पानी आएगा और इसी वक्त ही आएगा. तो आपने देखा इस बार को ही अगर आप देखें तो दिल्ली में मानसून आता है 28 लास्ट वीक ऑफ जून, बट आई रिमेम्बर प्रोबेबली जुलाई में भी नहीं आया, अगस्त में बारिशें हुई है अक्सर, या शायद एक दो बार हुई है उसके बाद अगस्त में ही शुरू हुई. सो अब सोचिए जो भी डिपेंडेंसी थी वाटर पे, अब वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया एक दो महीने के लिए. सो दैट इज एन इशू. और ये बात मैंने शुरू में भी रखी थी जब हम एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो हम ये बात रखी थी हमने कि हालांकि हम इसे कह रहे हैं ये रिलायबल है, बट ये रिलायबल इट्स इन अ मैटर ऑफ डेज है. इन अ मैटर ऑफ ईयर इट इज नॉट रियली अ रिलायबल बिकॉज द मानसून इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट वेरी श्योर शॉट एंड नॉट वेरी काइंड ऑफ पंक्चुअल इन इट्स डेट्स. एंड सेकेंड, कितना बारिश हो ये भी डिपेंडेंट, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है. जरूरी नहीं कि इस साल ज़्यादा बारिश हुई है तो हर बार उतनी ही बारिश हो. आपने देखा होगा कई बार डिफिशियंट होती है, कई बार सरप्लस होती है, जो भी एक नॉर्मल है. प्लस जो हम डिफिशियंट और नॉर्मल देखते हैं वो तो एक पूरे स्टेट का देखते हैं या पूरे कंट्री का देखते हैं, लेकिन बारिश का जो मामला है वो एक ही स्टेट में बल्कि एक ही शहर में ऐसा हो सकता है कि एक एरिया में बहुत बारिश हो गई है और एक एरिया में बिल्कुल ही बारिश ना हुई हो. तो जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, अक्सर ये पाया जाता है कि एक एरिया में बहुत बारिश हुई, दूसरे एरिया को पता भी नहीं चला कि बारिश हुई. सो अगर इसको हम ये नोट करेंगे कितनी बारिश हुई दिल्ली में, तो वो तो दोनों एड अप हो जाएंगे. व्हाट आई मीन टू से कि जितना ज़्यादा लोकलाइज्ड होंगे आप, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे या कस्बे वाइज देखेंगे, पुलिस स्टेशन वाइज देखेंगे, तो उतना ज़्यादा वेरिएशन होगा पानी के गिरने में यानी रेनफॉल में. सो दैट इज वाई इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी रियली सेड दैट इट इज कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और इन टर्म्स ऑफ सीजन्स. सो दैट इज यानी एक ही पॉइंट, इसी का एक पॉइंट में रिलायबिलिटी हम कह रहे हैं और दूसरी पॉइंट में हम कह रहे हैं कि ये बहुत रिलायबल भी नहीं है. तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस सेंस में बात हो रही है. पहले वाले में एडवांटेज के सेंस में इट इज इन टर्म्स ऑफ डेली और डेली फ्रीक्वेंसी, और जब हम अनरिलायबल कह रहे हैं तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ सीजन कह रहे हैं या ईयर कह रहे हैं. सो दैट डिफरेंस हैज टू बी केप्ट इन माइंड. द फॉर्म कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लो एंड सो बैकअप बाय स्टीम प्लांट इज एसेंशियल. फॉर्म कैपेसिटी या प्लांट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता हाइड्रो पावर प्लांट्स का, यानी जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है और जिस लेवल पे ये बड़ा होता है उस लेवल का नहीं होता. मतलब उससे छोटे और बहुत छोटे थर्मल पावर प्लांट्स उससे ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, तो इसलिए एक बैकअप की भी ज़रूरत होती है. और सिर्फ हाइड्रो को बेस बना के पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता फॉर द सेक ऑफ रिलायबिलिटी. सो इन ऑर्डर टू मेक अ रिलायबल पावर जनरेशन एंड रिलायबल पावर सप्लाई वी गॉट टू हैव अ बैकअप एज वेल. एंड लास्ट पॉइंट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिजर्वायर सबमर्ज इन ह्यूज एरिया अप्रूट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड क्रिएट सोशल एंड अदर प्रॉब्लम्स. ये पॉइंट हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था. सो वी प्रोबेबली नाउ वी कैन सम अप व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. एनी मोर पॉइंट यू वांट टू ऐड, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन एंड वी कैन एक्चुअली डिस्कस ऑन दैट. ओके, अब चूंकि रिलायबिलिटी पे थोड़ी बात की हमने,
आप आजकल न्यूज में काफी कुछ चल रहा है. Can somebody tell me what is going on these days about power shortage? क्यों हो रहा है ये power shortage? क्या coal shortage क्यों है? Sir actually ना sir इस बार जो reservoir है sir almost 60% capacity पे है sir किसी वजह से. Yes sir. Sir थोड़ा और बताइए, elaborate कीजिए थोड़ा सा. Sir मतलब कहने का ये है कि sir जो power generation है sir वो उसी तरीके से नहीं हो पा रही है sir. जो hydro power plant भी हैं उनमें reservoir sir बारिश कम हुई है. नहीं सर, रेनफॉल सर डिस्क्रीट एरियाज में हुई है सर. जहाँ पर रिजर्वायर है उस लोकेशन पर कम हुई है बारिश, जिसके वजह से लास्ट ईयर के कैपेसिटी के मुकाबले काफी कम पानी है इस बार. अच्छा, तो आपके हिसाब से इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? सर नहीं सर, एक पॉइंट है सर, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट तो काफी कम कंट्रीब्यूट करते हैं. गुड गुड. अच्छा, कुछ मैंने सुना चाइना वगैरह में भी इस वक्त? यस सर, चाइना में भी चल रहा है सर ये. और अब इस बार बाढ़ भी आया था चाइना में, तो ये कुछ ग्लोबल सा इशू लग रहा है ऐसा. क्या कुछ और किसी को है कुछ इनसाइट इस बारे में? यस सर, ग्लोबल इशू है सर ये सर, क्योंकि लेबनान में तो सर बिल्कुल ही खत्म हो गई है. हाँ तो अच्छा, तो क्या इशू है मतलब? जस्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. पेंडेमिक की वजह से और सर ग्लोबल जो इस साल बहुत सारे क्लाइमेट की वजह से सर वाइल्ड फायर और सुनामीज आई हैं सर जगह जगह, तो सर सप्लाई भी हिट हुई है और ट्रांसपोर्टेशन भी हिट हुआ है, एक बात कही जा रही है कि बारिश हो गई है खदानों के आसपास, तो कोयला को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है या किया जा पा रहा है. तो दिस साउंड्स नॉट वेरी जिसे कहते हैं लॉजिकल, क्योंकि ये कोई पहली बार तो बारिश हो नहीं रही है, और ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ या उससे पिछले साल नहीं हुआ. ये पहले भी सुना जाता था कि 10 दिन का बचा हुआ है, 15 दिन का बचा है, बट देन दे मैनेज इट. और प्लस ये हमेशा जब भी मैंने इससे पहले सुना है तो ये सिर्फ एक लोकल इशू होता था जो इंडिया की बात होती थी, बट नाउ द न्यूज इज कमिंग फ्रॉम मेनी कंट्रीज अबाउट दिस इशू. दिस शोज कि कुछ ये ग्लोबल फिनोमिनन है. I'm not sure, could it be some political developments happening around the world which has affected some companies, and because of that companies handling into power, and because they got affected, the power get affected. It could be one of the reason. I'm still not very sure about it. फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम को दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ा इशू है और गवर्नमेंट उसे सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो इसलिए इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए. सो वन ऑफ द रीजन कुड बी दैट देयर कुड बी अ प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सेइंग दैट भाई हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज बेटर यू गिव दिस टू some private companies. So हो सकता है ये भी एक issue हो सकता है. अगर ऐसा होता तो सिर्फ इंडिया में होता ना, मतलब पूरे globally क्यों power shortage हो रही है? Yes, so that is a counter point to this point. It is true कि अगर ऐसा होता, but then we will understand कि वो आने वाले कुछ दिनों में क्या developments हुए हैं. Probably if some companies gets hold of some NHPC or NTPC, तो हो सकता है ये बात सच हो. एनीवे, सो इट इज समथिंग विच वी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुड बी अवेयर विद. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट मच टाइम टू डेल्व इनटू दिस रियलिटी, बट लेट्स ट्राई टू प्रोबेबली विल गेट सम मोर डिटेल्स इन कमिंग डेज, तो शायद कुछ और क्लैरिटी भी पहुंचे. बट ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि इस वक्त समथिंग दैट इज अ सब्जेक्ट. इशू मेरे ख्याल में सर ये क्लाइमेटिक इशू के वजह से ही है. अच्छा जी, क्योंकि सर काफी हरिकेन वगैरह भी इस साल काफी हिट हुए हैं काफी कंट्रीज में, एंड बाकी जो रेनफॉल है वो भी काफी इररेगुलर तरीके से रही है. पैंडेमिक रहा था सर, हमने इस बार देखा सर जो लास्ट लॉकडाउन लगा था सर, काफी जगह जो एरियाज थे वो काफी क्लीन हो गए थे, और उसकी वजह से मानसून का जो एक पैटर्न था वो भी काफी वैरी हुआ था डिफरेंट पोजिशन पे. तो कोई तरीके से ग्लोबली जो क्लाइमेट है वो सर
कुछ हद तक वेरी करा है। हो सकता है शॉर्टेज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या फिर से बोलिए काशिफ। द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। हाँ लेकिन टाइमिंग का भी इशू है ना, ये एक एक ही साथ कई जगह से खत्म होना doesn't sounds quite understandable। खैर पॉलिटिकल पॉइंट भी बहुत सही है सर, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है सर वो भी बहुत चेंज हुई है सर, क्योंकि चाइना जो है सर उसकी ऑस्ट्रेलिया से जब वो हुई थी सर डील कैंसिल हुई थी, उसके बाद से सर सर वो ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट नहीं कर रहा है, उसने अपना प्रोडक्शन ऊपर कर दिया है, तो सर मतलब सर वो भी बहुत सीन चेंज हुआ है। हाँ एक्चुअली अभी जो एक वो हुआ था UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई थी ना अभी 15-20 दिन पहले, जिसमें अपने प्राइम मिनिस्टर भी गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे क्वाड, हाँ तो वहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो क्वाड थी जिसमें चार कंट्रीज थे, और उसके बाद एक अलग से बॉडी बनी जिसमें सिर्फ तीन कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान, और क्वाड में ये चारों कंट्री थी, इंडिया भी था उसमें। और फिर इन लोगों ने कहा था कि जो कैस्पियन, सॉरी नॉट कैस्पियन, ये कौन सा समंदर है, पैसिफिक, हाँ पैसिफिक ओशन में चाइना को कंटेन करने के लिए इन ये चारों कंट्रीज एक साथ आई थी, तो उसमें से जिसमें इंडिया भी है, तो ये क्वाड बना था चार कंट्रीज का एक कोऑपरेशन, और इन लोगों ने कहा था कि जो है हम चाइना के जो प्रोग्रेस है, जो एक उसका इन्फ्लुएंस है, उसको रोकेंगे, टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, बट सडनली उसको रोक के और एक और दूसरी बॉडी बना दी गई, और ये जो क्वाड है इसको कह दिया गया कि आपका काम सिर्फ जो है वो पोल्यूशन और जो नेचुरल इश्यूज हैं, यानी जो सॉफ्ट इश्यूज हैं उसके ऊपर है, और जो बड़ा इशू है वो अब ये तीन कंट्री मिलकर करेंगे। तो उसके बाद से जो कोयले का आना, चूंकि एक्चुअली इंडिया में भी जो कोयला है वो ज़्यादातर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि जो ऐश कंटेंट है इंडिया के कोयलों में वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कंपनीज जो है ओवरऑल उन्हें फ़ायदा होता है अगर वो एक्सपोर्ट करके बाहर से मंगाते हैं, तो अगर और मोस्ट लाइकली यही वो इश्यूज होगा जो और भी इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज वहाँ से मंगाती होंगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस पे रोक लगा दी है आई एम नॉट वेरी श्योर, तो ये हो सकता है कि एक एक पर्टिकुलर जगह से कई जगह कोल जा रहा है, और जो कंट्री है जो इसको प्रोड्यूस कर रही है वो किसी वजह से इन्फ्लुएंस, यानी एक होता ना कि चाइना के इन्फ्लुएंस में कोई कंट्री है तो उसको कोयला नहीं देंगे हम, या इस तरह के कुछ इश्यूज में इन्होंने कोयले पे टैपिंग लगा दी, और उसकी वजह से फिर ये जाहिर सी बात है कोयला कम हो जाएगा, तो फिर वो, और मेरे ख्याल से यही बात उठ भी रही है कि कोयला कम हो गया है, सो दिस कुड बी अ रीज़न, क्योंकि ये लोकल ना होके जो इंटरनेशनलाइज ये इशू है, ग्लोबल इशू तभी कोई चीज़ बनती है जब किसी ग्लोबल सेंटर पे कोई इशू होता है, यानी जहाँ से सबको जा रहा है वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो गई, तो मोस्ट लाइकली दिस कुड बी एन इशू। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। मैंने ये पॉइंट इसलिए रेज किया कि एक तो हमें थोड़ा सा रिलेवेंट भी होना चाहिए, यानी जो अगर हमसे रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं, सो वी शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर, और दूसरी चीज़ ये कि इसके जो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट को ना देख के जो एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उसको भी गौर व फिक्र करते हुए अगर हम देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी। सो इट्स अ गुड फूड फॉर थॉट दैट व्हाई दिस करंट पावर जनरेशन क्राइसिस हैज क्रीप्ड अप। आप लोग भी इस पर रिसर्च कीजिए, हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आई सेड कि मैं बहुत अभी इसमें से किसी भी पॉइंट पे माई वर्ड इज़ नॉट द लास्ट वर्ड, it is just an opinion like your opinions, so we can have more understanding about this issue and we can come to some good conclusion, aur ek bar agar hame iski clarity ho jayegi thoda sa kuch generals wagera padh ke to hum aage ki cheeze bhi acche se samajh payenge। in fact ek ek
एक एरिया है पूरा का पूरा रिसर्च का, जिसको कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स, और एनर्जी से रिलेटेड, चूंकि अच्छा खासा जियोपॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है ग्लोबली वर्ल्ड अफेयर्स में, तो कलेक्टिवली इसको कहा जाता है एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं नहीं समझता कि हर कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा, बट सम ऑफ यू मे डेवलप इंटरेस्ट इन दिस एरिया, एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, एनर्जी जियो पॉलिटिक्स, कि एनर्जी की वजह से कंट्रीज के जो फॉरेन अफेयर्स हैं और फॉरेन रिलेशंस हैं वो किस तरह से बिल्ड होते हैं या ब्रेक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, इसकी पूरी स्टडी होती है। और वो एनर्जी सिर्फ कोयले तक लिमिट नहीं है या ऑयल तक लिमिट नहीं है, इट कुड बी इवन टू गैस, इवन टू व्हाट वी कॉल स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो सकती है। सो इट्स अ गुड एरिया, वन ऑफ यू मे चूज दिस एज अ एरिया ऑफ स्टडी। एनीवेज, ओके, सो वी कैन डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो, सेलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। मेरे ख्याल से काफ़ी टॉपिक्स इसमें, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इस टॉपिक को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सम डिस्कशन वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोलॉजी, ठीक है? ओके ओके एनीवेज, सो यू कैन गिव योर अटेंडेंसेस ऑन दिस इन कॉल। जी सर, इन सेशनल पेपर यू हैव गिवन अ क्वेश्चन अबाउट द टैरिफ रेट्स इन दिल्ली, सो आई वाज बिट कंफ्यूज, व्हाट आर द एग्जैक्ट टैरिफ रेट्स इन दिल्ली? इज इट स्टेप रेट टैरिफ और पावर टैरिफ? हाँ, वो सवाल हमने जब डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि जो दिल्ली का टैरिफ है वो सिर्फ एक टाइप का टैरिफ नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैरिफ्स, ठीक है? तो अब इसमें स्टेप भी है, ठीक पर है? सर, सर स्टेप भी तो सर उल्टा स्टेप है सर, कि जो हम नोट्स में था सर स्टेप, उसमें जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा था सर कॉस्ट कम होती थी सर, दिल्ली में उल्टा है बिल्कुल सर, हाँ तो कंजम्पशन ठीक बढ़ता है, है तो सर कॉस्ट भी बढ़ता है। हाँ तो ठीक है ना, तो ये इट इज अ वन ऑफ, आप इसको ये तो नहीं कह सकते ना कि ये टैरिफ का मेथड नहीं है, इट इज अ सर टैरिफ, इट इज अ एग्जैक्टली मेथड तो ऑफ नहीं टैरिफ। डिफाइन कर सकते सर, जी एग्जैक्टली तो ऐसा कोई टैरिफ रेट नहीं डिफाइन कर सकते डेली के लिए। नहीं, अगर नहीं, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? देखिए, थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, वो थ्योरेटिकल होती है कि कितने तरीके से हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रैक्टिस चल रही है, सो प्रैक्टिस इज ऑलवेज द मेन थिंग, अगर कोई प्रैक्टिस हो रही है दैट शुड बी अ फॉर्म ऑफ इट। अब उसको आप इसे हाइब्रिड कह दें, हाइब्रिड टैरिफ, या कोई और नाम दे दें, रिवर्स स्टेप हाइब्रिड टैरिफ, इसको कुछ नया नाम दिया जा सकता है, बट इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई टैरिफ है नहीं। इट इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ द टैरिफ, पूरी दिल्ली में ये चल रहा है एंड इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ये नहीं कहा जा सकता कि ये है ही नहीं, ठीक है? इट इज यस, व्हाट वी हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल कॉन्वेंशनल तरीके हैं टैरिफ को रेट को लेवी करने के, उसमें से नहीं है ये, या हमने जो पढ़ा था उसमें से ये नहीं है, तो आप ये तो कह सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट अ वे ऑफ टैरिफ, इट इज अ वे ऑफ टैरिफ बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है? सो ये मैंने टॉपिक इसीलिए दिया था ताकि आप जरा जहन को खोलें, और कौन कौन से टैरिफ इसमें यूज होते हैं। जाहिर सी बात है, इसका आंसर यस या नो नहीं है, ठीक है? और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं इसके, और इसमें ओपिनियंस भी होते हैं जरूर, इसमें सही या गलत पूरी तरीके से नहीं होता। हाँ, अब ये है कि कोई इसको कहे कि इसमें ये फ्लैट रेट है बिल्कुल, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? तो दिस इज हाउ इट इज, ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये, इसमें इसमें वेरिएशन होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता कि यही आंसर सही है, चेक करना पड़ेगा, अभी मैंने चेक किया नहीं है, कि अगर एक ही आदमी की कॉपी पेस्ट चली होगी तो वो तो सब एक ही जैसे दिखेंगे, और अगर वाकई आप लोगों ने जहन लगाया है अपना अपना पर्सनल, तो जितने लोग होंगे उतने आंसर होंगे, एंड दैट इज समथिंग आई लाइक।
ठीक है, आप लोग अटेंडेंस देके लीव कर सकते हैं। आई होप सबने दे दिया है।